संयम नियम को अपनाओ, अमन चैन का बिगुल बजाओ, निंदा बुराई को मन से हटाओ, दिल में प्रेम की जगह बनाओ। गुरुदेव मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्रष्माणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक बच्चे तथा बच्चियों, आज 8 अप्रैल 2020 सायंकाल की वेला, पूर्णिमा का दिन, अपने लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर साधन भजन किए और कुछ कहने सुनने का अवसर मिला। ये उस प्रभु की, मालिक की, गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया और मेहरबानी है। जब उसकी दया कृपा मेहरबानी होती है तभी ऐसा अवसर मिलता है। आप समझो ये भारत देश धर्मपरायण देश, संत महात्माओं का देश, ऋषि मुनियों और दैव शक्तियों का देश क्यों कहा गया? थे तो वो लोग भी मनुष्य शरीर में ही, लेकिन उन लोगों ने दूसरों के भलाई का काम किया, लोगों के रक्षा का काम किया, धर्म की स्थापना का काम किया, लोगों को अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंचाने का काम किया, वहां का रास्ता बताने का काम किया। इसलिए उनका नाम है, चले जाने के बाद बहुत से लोगों की मूर्तियां बनी हुई हैं, फोटो लगे हुए हैं जगह जगह पर, उनके दिए हुए नाम को लोग जप रहे हैं, रट रहे हैं। तो ये भारत देश हमेशा से परोपकारी देश रहा है, धार्मिक देश रहा है। ये लोग भूमि है, बाकी देश लोग भूमि नहीं कहे गए, भोग भूमि है। वहां पर जो रहने खाने का और काम करने का विचार भावना और शैली है वो अलग है, वो विनाश को ही विकास मान रहे हैं। विनाश के कगार पर आदमी बढ़ता जा रहा है, कह रहा विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो जो वो कर सकता है, अपने रक्षा का काम हो तो कर लेता है, लेकिन जो उससे परे का हो जाता है, जहां पर वो हार जाता है, वहां पर भारत देश के ऋषि मुनि और संत करते आए हैं। तो अब आपके बात समझो कि कहा गया संतों की महिमा अनंत और अनंत किया उपकार। पीछे के जो संत रहे और उन्होंने जो उपकार किया उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता,
बंधन से संतु ने ही मुक्त किया, और मैं तो जीव इस तरह से जकड़ा हुआ है कि निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आप ये समझो यह धन का पुत्र का परिवार का जो मोह है और इसकी जो हविष है और इसकी जो इच्छा है, ये बंधन है और उसी बंधन में बंधता चला जा रहा है। छूटने की कोशिश भी करता है, छूट नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि कोई प्रभावशाली जिनकी बातों में दम हो, जिनकी बातों में ताकत हो, जिनके अंदर इतना प्रभाव हो कि वो बंधन से छुड़ा दें, तकलीफों से छुड़ा दें, तो हमेशा यह काम संतों ने किया। ये परोपकार का काम है। आप परमार्थ के कारण संतन द्वारा शरीर और परोपकार परमार्थ भी तो एक तरह का ही नहीं होता है। एक परोपकार ऐसा होता है जैसे किसी ने कर्जा लिया खेती करने के लिए, खेती में पैदावार ठीक से नहीं हो पाई, समय पर कर्जा नहीं भर पाया, नहीं दे पाया, तो उसको 14 दिन के लिए तहसील में एक कोठरी होती है, वहाँ बंद कर देते हैं। अब उसमें बंद हो गया, तो गया देखा बेचारा बंद है, नहीं खाया पिया, कुछ खिला तो उसको दे दो, कुछ खिला देता है, ओढ़ने बिछाने का नहीं वो दे देता है। तो वो कहता आपने मेरे लिए बड़ा परोपकार किया, भूखे को खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, ठंडी में टुटो रहा था कंबल दे दिया, आपने मेरे लिए बड़ा परोपकार किया। तो परोपकार तो वो होता है, और दूसरा परोपकार होता है जो वहाँ गया और ताला खुलवा दिया और उसको कुर्सी से बाहर निकाल दिया, तो उससे वो कहता है कि आप परोपकार का तो बदला चुकाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि आपने हमको बंधन से मुक्त कर दिया। बंधन कैसा भी हो लेकिन बंधन होता है, बंधन में सुख नहीं मिलता है। हथकड़ी चाहे सोने की लगाओ चाहे लोहे की लगाओ, तो हथकड़ी तो हथकड़ी होती है, बंधन तो बंधन होता है। आप समझो कि आदमी दुखी रहे, चाहे बहुत ज्यादा समस्याओं से दुखी रहे, चाहे एक दो समस्याओं से ही दुखी रहे, लेकिन दुखी तो रहेगा, दुख तो उसको होगा। संत जो होते हैं वो तो बंधन से मुक्ति दिलाते हैं, मुक्ति का रास्ता बताते हैं। भाई यहाँ की चीजें तुम्हारी कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी छूट जाएंगी, धन पुत्र परिवार पति और जिनको अपना समझते हो ये तुम्हारे कोई काम आने वाले नहीं है। ये तो समझो जब दूसरे के ऊपर आफत आती है तब वो मदद करते हैं, जब अपने ऊपर आफत आ जाती है कोई साथ नहीं देता है। आपके समय समय कोरोना की बीमारी सामने है, आप सुनते होगे परिवार के लोग ही नजदीक नहीं जाते हैं, दाह संस्कार कराने के लिए लोग नहीं जाते हैं, घर के परिवार के लोग ही नहीं जाते हैं जिसकी मृत्यु हो जाती है। देखो थी ना बुढ़िया, उसकी एक ही लड़की थी, बहुत प्रेम करती थी, तो जब बीमारी आई और वो बीमार पड़ी लड़की, तब बुढ़िया कहे या खुदा या भगवान हमको उठा लो, इस लड़की को छोड़ दो, इसके ऊपर दया करो, देखो ये तड़प रही है रो रही है, इसकी जगह हमको उठा लो, हम तो बुढ़े हो गए अब हमको क्या लेना देना है यहाँ, इसको छोड़ दो अब तकलीफ को हर लो। तो एक दिन क्या हुआ, पड़ोस में कोई कार्यक्रम था, खाना बना हुआ था, लोग खा करके चले गए, जिस डेग में खाना बना था उसमें नीचे की तरफ थोड़ा चावल पड़ा रह गया था। एक घूमने वाली गाय उधर से आई और उसी में मुंह डाल दिया,
चावल पका हुआ जो पड़ा हुआ था उसको तो खाई, लेकिन सींग उसी डेग में फंस गई। और जब सींग फंस गई और उठाया तो वहाँ पर उसकी हो गई बंद, और वो लगाने लगी चक्कर, चक्कर लगाते घूमते घूमते वहीं पड़ोस में थी, इसके इधर आ गई घूम गई। अब जब इसने देखा गेट के अंदर, और एक और ही ऊपर इसके आ गए काले कबूतरे, अरे अब तो लगता है कि ले जाएंगे। और बुढ़िया बरामदे में बैठी थी, लड़की कमरे के अंदर लेटी हुई थी, एक दो चक्कर जब लगाया तो बुढ़िया गई डर, कहा ये तो अब इसका ले जाएगा, अभी तो चक्कर लगा रहा है, उसके बाद अब हमको मार डालेगा। तब बुढ़िया क्या बोली, अरे हम तो बूढ़े हैं, हमको ले जाकर क्या करेगा, उसको ले जा उसको, वो लड़की जो है वो भी जवान है, उसको ले जा। तो कहते हैं जब अपने जान के ऊपर आप बताती है तब कोई किसी का मददगार नहीं होता है। इसलिए यानी भोग भगवान ने बनाया, उन भोगों नहीं फंसो मत, रहो गृहस्थ आश्रम में ही, एक दूसरे की मदद करो, कर्जा अदा करो जो एक दूसरे का है लेना देना पिछले जन्मों का, लेकिन इसी को निशाना मत बनाओ। आप जिस मिट्टी पत्थर के घर को अपना समझ बैठे हो, ये घर आपका है ही नहीं, आपकी जीवात्मा जहाँ से आई है सतलोक से, वो आपका असला घर है, इसको वहाँ पहुँचाओ, इसी के अंदर रास्ता है, उस रास्ते को लेकर के और थोड़ी देर भजन पूजन इबादत करो, तब तुम्हारे अन्य बंधन ढीले पड़ेंगे, और नहीं तो तुम्हारा जो मोह है, काम क्रोध है, लोभ है, ये तुम्हारे समय को निकाल देगा, इसमें फंसे रह जाओगे और अपना काम नहीं हो पाएगा, और पराया काम में ही फंसे रह जाओगे, इसी में लोक में लौट लौट करके 84 में आना पड़ेगा, कीड़ा मकोड़ा शाम को जब छुपी होनी में बंद होना पड़ेगा। बराबर यही समझाया जितने भी संत आए, और जब इच्छा जग गई, लोगों को जानकारी हो गई, तो आप ये समझो कि उनको रास्ता भी बता दिया, नाम की कमाई करने के लिए नाम दे दिया, और नाम की कमाई करा करके और बहुत श्रीओं को पार भी किया। तो कहा गया ना संतों की महिमा अनंत अनंत, क्या कैसे कैसे जीवों को पकड़ते हैं, इतिहास बड़ा पड़ा है। एक थे धर्मदास, धर्मदास कबीर साहब के शिष्य हुए हैं, उनके गद्दी पर भी बैठे हैं। तो धर्मदास एक सेठ थे, व्यापारी, शुरू में संत गद्दी तो बाद में मिली, गुरु की गद्दी तो बाद में मिली, लेकिन पहले वो क्या थे, व्यापारी थे, व्यापार करते थे, तो पूजा करते थे, किसकी, पत्थर को भगवान मान करके उनको पूजते थे, इकट्ठा किए हुए थे पत्थर, फूल पत्ती चढ़ा रहे थे, प्रसाद भोग लगा रहे थे। तब तक कबीर साहब साधु वैष्णव वहां पहुंच गए, और जब पूजा कर चुके, खड़े रहे पीछे, जब पूजा कर चुके तब बोले कि ये 2 किलो के भगवान हैं, 2 शेर के बड़े वाले, शेर चलता, अरे छोटे छोटे जो रखे हो, एक एक छटाके हैं कि ज्यादा पावते हैं। तो उन्होंने देखा तो कहा कि हमारे भगवान की निंदा कर रहे हो, ये शेर है, ये छटाक है, ये हमारे भगवान है, हमारे ये देवता हैं। तब उन्होंने कहा ये देवता कभी बोले, कभी डोले, कभी तुम कुछ पूछे, कुछ बताए। अरे जिंदा भगवान की पूजा करो तो भगवान तुमको मिल भी जाए, बात भी कर लो, देख भी लो, मांगो कुछ तो दे भी दें, इतना कह करके चले गए। अब धर्मदास तो सोचते रहे, बात तो सही कह करके गए महात्मा जी, ये भगवान तुम्हारे ने कभी बोले न डोले न कुछ कहा, तो लगता सुने ही नहीं, कोई जवाब नहीं दिया, कुछ पूछा या कहा कुछ नहीं। दूसरे दिन फिर पहुंच गए, कैसे पकड़ते हैं जीवों को, देखो सन तो क्या कर रहे थे, आग जला रहे थे,
उनकी देवी पत्नी वही कुछ काम वो भी कर रही थी, पास में ही थी। दुर्गा जी के पास खड़े होकर के बोले, अरे पापी धर्मदास, अरे पापी धर्म, अरे तू जो हत्या कर रहा है, जो हत्या करता है। अब वो घूम करके देखे, पत्नी ने कहा, आपको कैसे पता पापी, कैसे जो हत्या इन्होंने किया, हमारे पति परमेश्वर को हमारे ही सामने, और तुमने हत्यारा कह दिया, पापी कह दिया, क्यों कहा? तब उन्होंने कहा, अरे तू देख लकड़ी के अंदर कितनी कीड़े चल रहे हैं। तो उसने लकड़ी को तोड़ा, निकाला बाहर चूल्हे से, और तोड़ा सैकड़ों कीड़े, तो जिंदा कुछ मरे हुए दिखाई पड़े। आप इतना कह करके चले गए। धर्मदास के ऊपर बड़ा असर पड़ा इसका, कि भाई उन्होंने कैसे देख लिया कि इसमें कीड़े हैं, अंदर जल रही। बात को जरूर है, शुद्ध पुरुष हैं लगता है, तो इनसे हम कुछ बात करते हैं, इनसे कुछ हम सीखते। कल भी ये आए और आज भी आए और चले गए। ये बात कहने लग गए देवी के सामने, अपनी पत्नी के सामने। पत्नी ने सोचा कि हमारे ऊपर लांछन न लग जाए, यानी कि इसने ये अगर ऐसा न कहती, डांट फटकार न लगाती, तो वो रुक जाते, इसलिए इसने डांट फटकार लगा दिया, तेज बोल गई, इसलिए वो चले गए। तो पत्नी ने कहा, आप स्वामी चिंता क्यों करते हो, ये तो साधु हैं, ये तो जब चाहोगे तब इनको आप बुला लोगे, जहां गुण रहता है वही सीटे चले आते हैं। धर्मदास देखने लगे, बोले हाँ ये सब साधु आ जाएंगे, आपके पास धन की कमी तो है नहीं, आप यज्ञ करो, साधुओं को बुलाओ भोज के लिए, खाने के लिए सब चले आएंगे। धर्मदास ने काशी में यज्ञ किया, बहुत सारे साधु आए, उनका भी हिसाब नहीं आए। दूसरी जगह किया, तीसरी जगह किया, चौथी जगह किया, पांचवी जगह किया, बराबर इनकी खोज में यज्ञ करते ही रहे, और इतना यज्ञ कर डाला खोज में कि धन का एक तरह से सब खर्च ही हो गया धन सब। लेकिन जैसे जैसे यज्ञ करते थे, ऐसे ऐसे तड़प जगती जाती थी, कहते ना कि मोहन नारी नारी का रूपा, अन्न गारी अचरित अनूपा, माया और भक्ति एक साथ नहीं रहती है, सौतन है। तो जब माया की तरफ से मन हटता है, जब उधर से ध्यान हटता है, तो भक्ति की तरफ लगता है, क्योंकि मन तो ये कही है, जिधर लगाओगे उधर ही जाएगा। जब धन कमाने में मन लगा हुआ था, तब एक दिखावे की भक्ति, यानी करते थे दिखावे की भक्ति, किसको कहते हैं, दादा पूजा करते थे, पिताजी पूजा करते थे, उसी तरह से हमको भी पूजा करना है। पहले नियम भी था लोगों का, पूजा पर सुबह शाम जरूर लोग करते थे, अब तो सब भूल गए। भगवान को तो याद करते ही थे, भगवान का नाम बराबर लेते ही रहते थे। तो अब आप ये समझो कि धन से मोह जब हटा, तब और तड़प बढ़ने लग गई, लेकिन धन की भी सीमा थी। लगन आदमी के जिधर लग जाती है वही काम करता है, तो लगन तो इनकी इधर लग गई, तो उनको खोजा जाए, उनसे कुछ पूछा जाए, कुछ परमार्थी रास्ता लिया जाए। परिणाम यह हुआ कि अंतिम यज्ञ जब इन्होंने किया, सब कुछ बेच बाच करके कर दिया, लेकिन उस समय भी नहीं आए कबीर साहब, तब ये निराश हो गए, बोले तो दुविधा में दोनों गई, हम माया मिली न राम, न तो वो राम भगवान की तरह से आए साधु वो मिले, और न माया ही मिली, माया भी खत्म हो गई, जो था वो भी चला गया, कमा भी नहीं पाए, अब वापस नहीं जाऊंगा मुंह दिखाने के लिए गरीबी में, अब तो नदी में कूद करके मर जाऊंगा। फिर सोचे कि यहाँ भीड़ भाड़ है, घाट पर आदमी है, जैसे कूदूंगा मरने के लिए लोग पकड़ के निकाल लेंगे, बदनामी अलग से होगी, एकांत खोजा जाए।
उधर किनारे जिधर आदमी ना हो वहाँ चल करके डूबा जाए। डूबने के लिए जा रहे थे, मरने के लिए जा रहे थे निराश होकर के, तो कभी साथ बैठे दिखाई पड़ गए। जब दिखाई पड़ गए तो गिरे चरणों में और रोए, बोले आपको बुलाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, आपको बुलाने के लिए यज्ञ किया, आपको बुलाने के लिए इतनी सड़क पर डाकी और आप नहीं मिले, आज मिले हो, सब खो करके मिले हो। बोले उस समय अगर मैं मिल जाता तो त्रिरेंद्र इतनी तड़प न जगती, मेरी बातों को मानने की इच्छा न पैदा होती। और तेरी पत्नी ने तो कहा ही था जहाँ गुण रहते हैं जीते आ जाते हैं, तो वो तो यही समझती कि मेरे धन के लोभ में आए हैं। संतों को कोई लोभ होता है क्या? संत नबू का तेरे धन का, उनके तो धन है नाम रतन का, और तेरे धन से कुछ काम करा मैं, भूखे दुखे को खिलवाऊं। संतों के पास जो मेहनत की कमाई जो देते हैं थोड़ा बहुत आता है वो उन्हीं में लगा देते हैं, उनको इस धन की लालच नहीं रहती है। जिसके पास नाम धन होता है उसके पास ये सारे धन आ जाते हैं, जो इच्छा की ही मनमाही, हर प्रताप का दुर्लभ ना है, जिस चीज की इच्छा करते हैं वो पूरी हो जाती है। जब ये सुना कि गुणा तो जीते आ जाएंगे तो उनको और विश्वास हो गया, ये तो चले आए थे। और पत्नी ने ये बात बाद में बताई और उसी का सब उपाय करवाई तो और विश्वास हो गया। गुणी बातों को बता दिया, मन की बात को कोई बता देता है तो विश्वास और दृढ़ हो जाता है। फिर तो बोले अब शरण छोड़ करके नहीं जाएंगे और अब अपना लीजिए। तो उनको तो उन्होंने नाम दान दिया। जब अहंकार धन का खत्म हो गया, जब मेहनत करते करते यज्ञ करते करते शरीर थक गया, जब इच्छा हानि खत्म हो गई, आशा तृष्णा सब दुनिया की खत्म हो गई, तब निराशा जब हो गई इधर से, शरीर से भी मोह नहीं रह गया, शरीर को भी त्यागने के लिए जा रहे थे, तब उनको उन्होंने नाम दान दिया। देखो कितनी परीक्षा लेते थे और कितना तपाते थे करते थे, आप लोगों को तो बहुत आसानी से नामदान मिल गया। बहुत से लोग तो पहली बार ही आते हैं और उनको भी नामदान मिल जाता है, लेकिन कबीर साहब ने इनको अनेक तरह से तपा करके, जैसे सोना तपाया जाता है निकाल आता है, ऐसे निकाल ला करके अपने नामदान दिया, फिर वो उसी काम में लग गए, है ना। आप प्रसन्न तो कहा कबीर साहब ने कि जो घर को कया अपना चले हमारे साथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हार। घर घूमने का मतलब क्या होता है? झोपड़ी में आग लगा दो, घर में आग लगा दो। घर फूकने का मतलब ये होता है कि समझ लो कि हमारे पास नहीं है थोड़े समय के लिए, और रहो उसी घर में, लेकिन समझो कि हमारा ये नहीं है, सब कुछ भूल जाओ और लगन उधर की लगाओ, उस मालिक के तरफ की लगाओ, तो उसमें काम बन जाएगा। तो फिर वही धर्मदास आने सुनो भजन किए और फिर वही कबीर साहब के वो प्रिय शिष्य बने। और फिर कबीर साहब जब चले गए तो उनकी गद्दी पर वो बैठे। कहने का मतलब यह है कि ये ऐसी भूमि है और आप तो भाग्यशाली हो कि आपको गुरु महाराज जैसे संत मिले और आपको नामदान मिला, और गुरु महाराज बराबर सत्संग करते रहे, बातों को बताते रहे, बातों को आपको देते रहे, पकड़ाते रहे। उन बातों को आपको पकड़ने की जरूरत है। देखो प्रभु आज है पूर्णिमा, ये तीज त्योहार और पूर्णिमा अमावस्या जो आते हैं इनका विशेष महत्व होता है, इन दिनों का भी महत्व होता है। जैसे देखो संक्रांति लगती है, जैसे देखो ये आपका लक्ष्मी पूजन होता है दिवाली के आसपास, जिसको आप धनतेरस कहते हैं। ये जो मुहूर्त होते हैं इनका अलग अलग महत्व होता है। फिर पूर्णिमा का जो दिन होता है महत्वपूर्ण दिन होता है, और आप ये समझो आज पूर्णिमा है, चैत्र की पूर्णिमा है। अब बैसाख कल से लग जाएगा, अब गर्मी कल से बढ़ जाएगी। चैत्र का महीना तो रसा महीना होता है, थोड़ी ठंडी ज़्यादा गर्मी होती है। कल से गर्मी का महीना शुरू हो जाएगा, बैसाख शुरू हो जाएगा। तो इस समय पर
जो परिस्थितियां हैं देश की, समाज की, लोगों की, उसके बारे में मैंने प्रेमियों के लिए बताया था कि भाई खराब समय जब आवे तो बड़े होशियारी से उसको पार करो, और होशियारी से पार करने का उपदेश करो, और खराब समय में आप लोगों की मदद करो। तो ये जो कोरोना रोग फैला है, छुआछूत का रोग है, छुआछूत में जब दो लोग पड़ जाते हैं उनको ये रोग हो जाता है, और जानलेवा रोग हो जाता है, तो दवा तो इसके लोग खोज रहे हैं, दवा तो मैं भी खोज रहा हूँ, और मैं तो किसी निष्कर्ष पर जब पहुँचता हूँ और सोचता हूँ ये बताऊँ तो इनको विश्वास हो ना हो, लेकिन अगर ये दवा खोज लेंगे और कामयाब हो जाएंगे तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो मैं मंथन कर रहा हूँ, मैं दवा तैयार कर रहा हूँ, मैं दवा घोट रहा हूँ, अगर हमको अवसर मिलेगा हम उसे समझेंगे तो हम भी अपनी दवा बताएंगे कि इसको करके देख लीजिए, परीक्षण करके देख लीजिए। लेकिन अभी तो ये मर्ज फैला क्यों, ये तकलीफें आई क्यों, इसकी जड़ मैं आपको बता देता हूँ, और वो जड़ आगे न बढ़ने पावे तो बहुत कुछ तो समझ लो कि ये रोगों की जड़ अगर बढ़ने न पावे तो समझ लो कि ये खत्म हो जाएगा, पौधा कुछ समय के बाद सूख जाता है, जैसे अगर उसका विकास नहीं होता है तो ये खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। तो जड़ क्या है, सबसे बड़ा जड़ तो यह है मांसाहार, मांस की वजह से ही, मांस खाने की वजह से ही खून बेमेल होता है और तरह तरह की बीमारियां आती हैं, और ऐसे असाध्य रोग आ जाते हैं जैसे इस समय पर कि जिनकी दवाएं खोजने पर मिलती नहीं। बड़े बड़े लोगों का, वैज्ञानिकों का दिल दिमाग पूरे दुनिया में काम नहीं कर रहा है, कहते तो है लड़ाई जारी है, लेकिन किससे जारी है ना उसको तो देख पा रहे हैं, और ना उसको परख पा रहे हैं, और ना उसको जान पा रहे हैं। कोरोना नाम तो रख लिया लेकिन लड़ाई उससे कर जारी है, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसका मूल कारण क्या है, मूल कारण यही है मांसाहार। शाकाहार का प्रचार करने के लिए गुरु महाराज भी कहते रहे, और खुद भी शाकाहारी रहने के लिए कहते रहे, प्रचार के लिए भी कहते रहे, और आखिरी वक्त पर अपने जाते समय भी आखिरी सत्संगों में बोल करके गए कि प्रेमियों अगर ये काम तुम कर ले गए तो इसी से तुम्हारा सब काम बन जाएगा, शाकाहारी रहने का और शाकाहारी लोगों को बनाने का। गुरु महाराज जब चले गए तो ये अभियान हमने चालू किया, और इस वक्त पर बराबर ये प्रेमी अभियान चालू किए हुए हैं, बता रहे हैं लोगों को शाकाहारी रहने का। तो अब तो कुछ समझ में लोगों के आने लगा कि देखो शाकाहारी लोग के ऊपर उतना असर नहीं हो रहा है जितना मांसाहारियों पर ही हो रहा है, मांसाहारी ही मर रहे हैं, चाहे भारत देश में हो और चाहे दूसरे देशों में हो, मांसाहारी ज्यादा मर रहे हैं। तो छोड़ तो लोग रहे हैं लेकिन जवान के ये इतने स्वादी हो गए हैं कि उनका मन मानता नहीं है। तो अब आप समझो मन नहीं मानेगा तो मन ही तो ये बचाता है, और मन ही ये मरवा देता है, तो मन कहीं मरवा न दे। और यह अनमोल रत्न रूपी ये शरीर, देव दुर्लभ शरीर, उनका बेकार न चला जाए, इसलिए आज पूर्णिमा के दिन 8 अप्रैल 2020 को मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग मांस तैयार करते हैं, जानवरों को मारते हैं, काटते हैं, वो लोग इस काम को बंद कर दें। ये अगर बंद कर दें तो इनको मिलेगा नहीं, खाएंगे नहीं, जीव रक्षा हो जाएगी, जीवों की रक्षा आनी जरूरी है, और जीवों की हत्या से पाप लगता है, और पाप कर्म जब आते हैं तो पाप
की सजा कई तरह से मिलती है, इसलिए यज्ञ निश्चित है। वेद पुराण पुराण सब बताते हैं कि कर्मों की सजा मिलती है, तो कर्मों की सजा से लोग कैसे बच पाएंगे। औला काल मृत्यु में जब जाएंगे तो प्रेत योनि मिलेगी, और प्रेत योनि बड़ी तकलीफ देह होती है, तो इनको प्रेत योनि से बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए, अपने परिवार अपने कुनबे और देश विदेश के लिए, दुनिया को बचाने के लिए, आप लोगों से मुझे ये कहना है कि आप लोग मांस की दुकानों को बंद कर दीजिए, जानवरों का काटना बंद कर दीजिए। जो लोग गाय काटने का स्लॉटर हाउस चलाते हैं, आप अपने बच्चों के उत्तम भविष्य के लिए, उनकी जान बचाने के लिए, कुदरत से अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चों की, अपने परिवार वालों की, अपने देश और विदेश के लोगों की जान बचाने के लिए, आप सब लोग ऐलान कर दीजिए कि हम बंद कर दे रहे हैं स्लॉटर हाउस, अब गौ हत्या नहीं करेंगे, अब जानवरों की, बकरी की, भैंसी की, गाय की हत्या नहीं करेंगे। तो भारत देश की ये जो प्रकाश है, रोशनी है, ये जो आवाज है, ये पूरे विश्व में फैलेगी और विश्व के लोग अपनाएंगे इसको, क्योंकि विश्व के जो विकसित देश कहलाते हैं सब निराश हो रहे हैं। अब सब भारत देश की तरफ देख रहे हैं कि भारत कोई फार्मूला निकाले, भारत कोई दवा निकाले, भारत से हमको कोई निर्देश मिले। तो जब इस तरह का आने समझो कि आप लोगों को बताओगे कि हम सब लोगों ने आपकी रक्षा के लिए, अपने और अपने देश की जनता और धन की रक्षा के लिए जीव हत्या बंद कर दिया, मांस की दुकानों को बंद कर दिया, जितने स्लॉटर हाउस थे सब बंद कर दिया, आखिर बंद हो जाएंगे। लेकिन जब बंद हो जाएंगे तब आपका कोई नाम लेवा नहीं रहेगा, और आपके ऊपर लांछन कलंक अलग लगेगा, कसाई नाम आपके आगे लगा रहेगा। इसलिए अभी से अगर आप ये संकल्प बना लेते हो और इसकी घोषणा सामूहिक रूप से कर देते हो और इस काम को बंद कर देते हो, तो आपका नाम हो जाएगा, आपका इतिहास बन जाएगा। जैसे अन्य चोरी डकैती करने वाले अंगुल माल बाल में जैसे डाकुओं का नाम हो गया, स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, ऐसे आपका भी लिख जाएगा। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भोले पाला शिवान भाग्य मेराई, कोयल सो के पपिया की बोली सुहाई, एक तार में आने के जानकार, हमारा देश फूले फाले के प्यारा देश फूले फाले। यही वंदना है गोरों से बारंबार, हमारा देश फूले फाले के प्यारा देश फूले फाले।